थे, 4 वर्ष के थे, तब से शिवपाल जी के यहां उनका लालन पालन हुआ। उनके बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में कोई निवेश नहीं किया शिवपाल जी ने, ये सोच करके कोई एक दिन वो मुख्यमंत्री होंगे। जब पिता मुलायम सिंह जी ने ये सोच करके, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई कि वो एक दिन प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। जब पिता ने उनके घर उनकी उत्पत्ति हुई, धर्म पिता के रूप में हम चाचा शिवपाल जी को कह सकते हैं, और हमें उन्होंने हरदम अंकल कहा, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। पढ़ाई लिखाई से लेकर के निजी जिंदगी तक मैं, हमारा योगदान उनके प्रति सार्वजनिक रहा। बड़ी पीड़ा के साथ, वेदना के साथ कहना चाहता हूं, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, वो कहते हैं कि व्यापार करने आया है अमर सिंह उत्तर प्रदेश में। कौन सा व्यापार किया है मुख्यमंत्री बताएं? एक कौड़ी का अगर ठेका पट्टा लिया हो, स्थानांतरण उद्योग चलाया हो, कुछ लेन देन किया हो, बहुत विनम्र चुनौती है कि वो जांच करा ले, वरना इस तरह के अनर्गल बयान देने वालों के मुंह पर लगाम लगे। एक और है उनके नेता, हम नाम लेकर के उनके महत्व, उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते, वह राजनाथ सिंह जी के काबिनामा मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के काबिनामा मंत्री रहे, काबिना मंत्री रहे। और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ हैं। सर्वदलीय अनुभव से उनकी अनुभूति बड़ी तीव्र है। अब वो मुझे भाजपा का एजेंट करें, मेरा सह व्यक्ति अल्पांश तरीके से किसी के साथ नहीं रहता, अगर रहता है तो पूरी तरह से रहता है, अन्यथा नहीं रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमारा सामंजस्य कभी अभी तक तो नहीं हुआ है, या किसी विचारधारा से, चाहे वामपंथी धारा हो, दक्षिणपंथी धारा हो, सांप्रदायिक धारा हो, या कोई विचारधारा हो, या तटस्थ विचारधारा हो, जिस विचारधारा में हमारा समन्वय होगा उसमें मैं समाहित हूंगा। ये बैकडोर पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से प्रविष्टि करके राजनीति करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि तमाम राजनीतिक विवाद के मूल में कि किसके दल, किस दल का समन्वय समाजवादी पार्टी में होगा, विलय होगा या नहीं होगा, कौन कौन से लोग मंत्री रहेंगे या निकाले जाएंगे, जिन जिन लोगों के लिए भाई शिवपाल जी का विरोध छवि के मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो सभी लोग, सभी दागी लोग जो शिवपाल जी के साथ रहने पर दागी थे, आज प्रातःकाल जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर के उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो सब उज्ज्वल हुए, सब के सब उज्ज्वल हुए, सारे दागदार लोगों की दागदार छवि साफ हुई, सफेदी की चमकार बार बार लगातार, सब उज्ज्वल हो गए, अंसारी बंधु उज्ज्वल हो गए, और सारे मंत्री जो कल तक अच्छे नहीं थे, अब वृंदावन में रहना है तो स्वामी जी का सहना है, हाजी हाजी करना है, वो सब सत्ता के वृंदावन में स्वामी के भक्त जब से हो गए, तब से सब सुंदर हो गए, सत्य हो, सत्यम से सुंदर हो गए, वो सत्य हो गए, शिव हो गए और सुंदर हो गए। राजनीति में सत्ता की समानता को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और गांठ बांधता हूं। ये राजनीति बड़ी क्रूर और निर्मम है, और इस क्रूर और निर्मम राजनीति में किसी के लिए खड़ा होना अपराध है, और इस अपराध के अपराधी हैं शिवपाल जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन विशेष व्यक्ति की वजह से यह गतिरोध उपस्थित हुआ,
वो मुख्यमंत्री के प्रबल समर्थकों में से हैं, और जिनके घर पर मुख्यमंत्री पले बड़े वो चाचा विरोधी हैं। हम अखिलेश यादव को, चिरंजीव आयुष्मान अखिलेश यादव को अब भी साधुवाद देते हैं, यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं, और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उनकी उन्नति के बाधक नहीं, और जो नए साधक उनको मिले हैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में इसलिए आया हूं कि गतिरोध हो, अवरोध हो। मैं चाहता हूं समन्वय हो, पिता पुत्र में युक्ति हो। मुलायम सिंह जी का भी संबंध है और अखिलेश का यशस्वी नेतृत्व भी आगे बढ़े, ऐसी कोई राह निकलती है तो उसके समर्थक हम भी हैं और शिवपाल जी भी। और मुलायम सिंह जी अकेले हैं, वो बेहसियत है, ये सब में तो सुनने की हमारी क्षमता है न सहने की क्षमता है, और हैसियत संख्या से, हैसियत सत्ता से हमारी नजर नहीं होती, हैसियत आदमी के अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से होती है, और हैसियत कोई अमावस्या अमावस्या और पूर्णमासी का चांद नहीं है जो कभी पूंजित हो और कभी एकदम स्या अंधेरा जिसमें आ जाए। बाकी जहां तक चोट का सवाल है, बाहर से नहीं मिलती, बाहर के व्यक्तियों से हम लोग बुरा पराक्रम से लड़ सकते हैं, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही तुझको आखिर आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो अपनों से जब लड़ाई होती है तो मिट्टी में मिलना पड़ता है, लेकिन मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए कि किस किस कुम्हार ने उसकी निर्मित की है, उस कुम्हार को याद रखे, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, माटी कहे कुम्हार है तू क्या रुदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। तो अमर सिंह को आप सुन रहे थे, बेहद दुख में भी नजर आ रहे थे, नाराजगी भी झलक रही थी, शिवपाल का समर्थन स्पष्ट तौर पर करते दिखे और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर हमला भी बोलते दिखे, और साथ ही साथ हमला उन लोगों के ऊपर भी बोलते दिखे जिन्होंने हलफनामे दिए हैं, और उनको लेकर स्पष्ट कहा उन्होंने कि जिन्होंने हलफनामा दे दिया अब वो दूध की तरह उजले हो गए हैं और बाकी लोगों को वो दागी कह रहे हैं। नेताजी की यानी मुलायम सिंह की हैसियत को लेकर भी उन्होंने कहा कि व्यक्तियों का अगर साथ इस तरह से छूट जाए तो ये ऐसा नहीं है कि हैसियत उनकी कम हो गई है, और हैसियत को लेकर हम नेताजी की बात करना इस तरह से चाहते नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि जब अपनों से लड़ाई होती है तब हारना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि पिता पुत्र फिर से एक हो जाएं, अखिलेश जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहे। शिवपाल यादव ने जिस तरीके से पिता तुल्य उनको परवरिश दी है उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर, अमर सिंह ने कहा कि बहुत छोटे से मैं जानता हूं कि किस तरह से एक तरह से पिता की तरह पाला है शिवपाल यादव ने, लेकिन आज जो स्थिति है उसको लेकर, क्योंकि अमर सिंह की तरफ से तो इस्तीफा दे ही दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, उन्हें एजेंट कहा गया, यहां तक ये कहा गया कि अगर बिखराव हो रहा है, टूट हो रही है, तो उसके लिए भी कारण अमर सिंह ही है, और इसी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं किसी की टूट का कारण नहीं बनना चाहता, मेरे ऊपर जो आरोप है वो बेबुनियाद है, किसी तरह का कोई व्यापार बिजनेस मैंने नहीं किया है। तो अखिलेश यादव पर एक तरह से हमला भी किया गया, लेकिन साथ ही साथ बचाव उसी की भी मुद्रा में दिखे, ये कहते हुए कि अपनों से जब लड़ाई होती है तब हारना पड़ता है। शिवपाल यादव ने कैसे अखिलेश को पालने में भूमिका निभाई, वो एक पिता तुल्य भूमिका में रहे, और राजनीति में भी जिस तरीके से उनको समझ दी, तमाम चीजों का जिक्र अमर सिंह यहां पर करते नजर आए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी से बाहर हुए हैं, इससे पहले भी बाहर हुए थे नेताजी को लेकर, उस दौरान तो तमाम बयान इनकी तरफ से दिए गए थे, लेकिन आज नेताजी के हितैषी और उनके समर्थन में तमाम बयान दिए गए हैं। अखिलेश का विरोध तो किया, लेकिन ये भी कहा कि मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि पिता पुत्र में समझौता हो जाए, एका हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है।
और साथ ही साथ उन लोगों पर भी निशाना साधा जिनके नाम स्वयं अखिलेश यादव भी लिया करते थे कि वो दागी हैं। यहां तक कि कैबिनेट में भी जो लोग थे उनको लेकर भी सवाल उठाते थे, जो एमपी थे एमएलए थे उन पर भी उनकी तरफ से टीका टिप्पणियां की जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि अब हलफनामा हस्ताक्षर वाला सौंप दिया गया है तो तमाम दागी जिनको कहा जाता था अब वो भी उजले सफेद हो गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। संतोष, दूसरा मौका है जब इस तरह से सार्वजनिक तौर पर एक तरह से समाजवादी पार्टी अब छोड़नी पड़ी है, तब स्थितियां अलग थी, लेकिन जिस तरह से बोले हैं अमर सिंह यादव कि मैं अखिलेश का विरोधी नहीं हूं, आगे भी बढ़ते रहे, लेकिन साथ ही साथ कई निशाने भी साध गए वो। नहीं, सीधा सीधा मीनाक्षी उनका प्रहार भी है और खुद अपने आप को जो जलालत हुई है उनकी, उसके पीछे एक जो है बैक सपोर्टिंग का वो डायलॉग भी है जिसमें ये कहना कि अगर कोई ठेका पट्टा या हमने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर कोई उद्योग चलाया हो तो। संतोष, मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार फिर से, अमर सिंह को सुन ले हम। बहुत विनम्र चुनौती है कि वो जांच करा ले, वरना इस तरह के अनर्गल बयान देने वालों के मुंह पर लगाम लगे। एक और है उनके नेता, हम नाम लेकर के उनकी महत्व उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते, वह राजनाथ सिंह जी की काबिना में मंत्री रहे।